हनुमान जी उस लंका के बहुत सारे महलों में सीता माता को ढूंढते हैं। रात्रि काल की बेला है, किसी भी महल में माता जानकी नहीं मिलती। उस लंका में एक सूखे घास की बनी हुई झोपड़ी हनुमान जी को दिखाई देता है। उस झोपड़ी के चारों तरफ नए नए छोटे छोटे तुलसी का पौधा लगा है। उस झोपड़ी के दीवार पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है, उनके धनुष बाण का चिन्ह अंकित है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, इस लंका में तो राक्षसों का राज चलता है, लेकिन यह जो झोपड़ी दिखाई देता है, यह झोपड़ी किसी संत का लगता है। इन राक्षसों के बीच एक संत का निवास कैसे हो सकता है? यदि सही में यह घर किसी संत का होगा, यह झोपड़ी किसी संत का होगा, तो इन राक्षसों के बीच एक संत व्यक्ति को कैसे रहने देता होगा यहाँ? हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि पहले मुझे इसके विषय में जान लेना उचित होगा, यह सही में किसी संत का झोपड़ी है या नहीं, तब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना उचित होगा, क्योंकि इस लंका के राक्षस लोग बड़े ही मायावी हुआ करते हैं। हो सकता है इस झोपड़ी को कहीं तंत्र मंत्र से तो नहीं बनाया है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यह झोपड़ी सही में यदि किसी संत का होगा, इस झोपड़ी में सही यदि कोई संत रहता होगा, तो भोर के समय जगते समय अपने बिछावन को छोड़ते समय दो चार पांच मिनट भगवान का नाम जरूर लेगा, यही इसकी पहचान होगी, यही इसका परीक्षा होगा, तब इसके आगे मुझे बढ़ना उचित होगा। हनुमान जी अपने भेष को बदल लेते हैं, ब्राह्मण वेश में उस झोपड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। धीरे 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 रात व्यतीत होती है, भोर का समय होता है। विभीषण जी भोर के समय जग करके अपने बिछावन पर अपने चारपाई पर बैठ करके दो चार पांच मिनट भगवान का नाम लेते हैं। कि सुनने बानी सबके लाज तू, सुनने बानी सबके लाज तू, बचावे लहरी हो, बचावे लहरी तो हमारा बेरी काहे कैले बड़ा इतना तेरी, हमारा बेरी काहे कैले बड़ा इतना तेरी, सुनले बानी सब पे लाज तू, we'll be right back.
कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रभु कि दुष्ट दुशासन ने नहीं मानता कहना खींचता के साड़ी आजू सब कर बदनामा
बारी सुरंदर गिरले चरण में।